तो अभी आप ये जो विंडशील देख रहे हैं मेरा, जो ये अपाची बाइक पे मैंने विंडशील लगाया हुआ है, तो भाई इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। बता दूँ वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए दिखाता हूँ आपको कि क्या दिक्कत आ गया इसमें, एक चीज़ ख़राब होने लगा है। तो ये जो विंडशील का ये क्लैंप वगैरह दिया गया है, इस पे ये जंक लगने लगा है। अब भाई आप लोग बोलोगे कि भाई आपके बाइक में तो ये बाइक कवर है, तो आपके बाइक को जंक कैसे लग रहा है? तो भाई जब राइड करेंगे उस टाइम तो बाइक कवर को बाइक पे नहीं चढ़ा सकते, उसी टाइम ये जंक लगा हुआ है। तो ये जंक लग गया है, अब इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो इसका भी सोल्यूशन मैंने देखा हुआ है, तो चलिए दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें जो जंक है इसको निकालने का, इसको हटाने का, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ यहाँ ये सारे में ये जंक लग गया है, तो थोड़ा ये देखने में ख़राब लग रहा है। तो अब मुझे इसको साफ़ करना है, तो कैसे साफ़ होता है चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो भाई जंग कहीं भी लग सकता है, यहाँ नहीं लग सकता भाई। तो बात ऐसा है कि मेरे बाइक का जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड का जो ये क्लैंप देख रहे हैं इस पे जंग लग गया है। इसका जंग लगने का कारण ये है, मेरे बाइक में तो बाइक कवर है पर उसको जब मैं राइड करता हूँ उस टाइम नहीं चला सकता, और अभी बारिश का सीज़न था तो बारिश में भी बहुत जगह पे राइड किया हूँ, वैसे ही बाइक चला रहा हूँ, तो उस पर बारिश का पानी लग के इस पर जंक लग गया है। अब भाई लोग आप लोग ये मत बोलना कि भाई आपके बाइक में बाइक कवर है, बाइक में लगा हुआ है, तो आप इसको यूज़ क्यों नहीं करते? भाई चलाने टाइम तो, राइड करने टाइम तो इसको लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो चलाएंगे कैसे? तो ये तो बात हो गया फिनिश, यहाँ तक ये हो गया कि इसमें जंक लगने का कारण पता चल गया। अब तो भाई ऐसा है, तो मैं लोकल मार्केट जो मेरे घर के पास में है बाइक का, जहाँ पे सामान वगैरह रहता है, वहाँ पे मैं गया, बताया उनको भाई इस पे जंक लग गया, इसको मुझे निकालना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, निकालो कैसे निकालना है? तो भाई उन्होंने मुझे दिया ये रस्टॉप करके, और मुझे पता नहीं है कि ये काम करता है भी या नहीं करता है। ये मुझे पड़ा था 90 रुपये का, और ये 50 ml का है, और इसको लाने के बाद मैंने अमेजोन पे भी इसका प्राइस चेक किया तो 90 रुपये ही है, 50 ml का सेम प्राइस है। तो ऑनलाइन और लोकल मार्केट में भी ये मुझे सेम प्राइस में मिल गया। अब अगर इससे वर्क होता है प्रॉपरली, ये साफ़ हो जाता है, तो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये काम करता है। अगर नहीं होता है साफ, तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई ये बेकार है, कोई यूज़ नहीं है, और मुझे भी पता चल जाएगा। तो जब मैं अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये अभी भी मुझे नहीं पता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, तभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर काम कर गया तो आप अगर लेना चाहते हैं या ट्राई भी करना चाहते हैं, तो मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और ख़रीदने का मन हो तो ख़रीद सकते हैं। बाकी तो जंग जहाँ लगने का वहाँ लगेगा ही, तो चलिए देखते हैं कैसे साफ़ होता है। तो इसके लिए मैंने 3 चीज़ लिया है, आप ये एक तरह से देख सकते हैं, ये एक पेपर है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँगा कि अगर मैं अगर रस्टॉप का स्प्रे भी करूँ तो नीचे का जो बाइक का कलर वगैरह है यहाँ पे वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए मैं इसको नीचे से रखूँगा, बाकी इसको स्प्रे करना है, और एक ये रुमाल ले लिया हूँ, इससे मैं इसको क्लीन करूँगा। तो अभी हम इसको लगा देते हैं, इस तरीके से हमने लगा दिया है, और अब इसको स्प्रे करता हूँ। इसको स्प्रे कर दिया हूँ, अब 5 मिनट वेट करता हूँ, 5 मिनट के बाद एक बार फिर से इस पर स्प्रे कर देंगे। ये गिर गया, तो 5 मिनट हो गया है, फिर से एक बार इस पर स्प्रे कर देते हैं। अब इसको क्लीन करते हैं, देखते हैं क्लीन होता भी है या नहीं। तो भाई ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पता चल रहा है अभी तक फ़िलहाल, तो ये इजली तो निकल नहीं रहा, तो इसलिए फिर से एक बार स्प्रे करके देखते हैं। थोड़ा सा तो इसमें देख रहे होंगे, थोड़ा सा आया है, पर इतना संतुष्टि नहीं होगा, ये साफ नहीं हुआ है। भाई ये कपड़े से तो अच्छे से काम नहीं करेगा, दूसरा जुगाड़ खोजना होगा। तो
पीस पे अभी थोड़ा सा स्प्रे कर देता हूँ और लेके आता हूँ चाकू। तो भाई अभी लेके आया हूँ चाकू, एक बार स्प्रे मार देता हूँ। इसी के लिए स्पेशली खरीदा हूँ, तो ये इसमें ख़त्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठंडा हो रहा भाई, लग रहा ख़त्म हो जाएगा एक में, तो बाकी में कैसे काम चलेगा। ठंडा हो गया है, ये रहा चाकू। अब चाकू से निकाल के देखते हैं। चाकू से थोड़ा बहुत तो काम हो रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है कपड़े वाले से। इस पे अभी इतना निकला हुआ है, अभी आगे देखते हैं। फिर से थोड़ा स्प्रे मार देता हूँ इस पे। भाई जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा काम हुआ, बहुत मेहनत करने के बाद ये थोड़ा सा साफ़ हुआ है। जैसा कि मैंने सोचा था उतना तो साफ़ ये नहीं हो पाया है, पर काम चलाने भर इसका दूसरा जुगाड़ खोजना होगा, या D40 यूज करना होगा, या फिर कुछ और देखते इसको कलर वगैरह करवाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी ये उतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाएगा जितना कि हमें चाहिए। हमें इस टाइप का चाहिए और ये इस टाइप का है, तो अभी इसमें भी ट्राई करके देख लेता हूँ कि इसमें भी कितना काम होता है। भाई ये हो गया ख़त्म, काफ़ी कम था यार, 50 ml कम ही होता है, पर हो जाना चाहिए था। ये तो कोई काम का नहीं हुआ, ये तो 90 rupees हो गए वेस्ट। तो भाई आप लोग देख लो, ये है और इसका रस्ट ऑफ, तो कैसा काम किया क्या नहीं किया अब आपके सामने है। जब भी अब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मुझे तो ये उतना यूजफुल नहीं लगा, दूसरा उपाय देखना होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, या आपने कभी खुद से किया हो, साफ़ हो गया होगा, तो भाई हो सकता है, पर मेरे से तो ये अभी तक नहीं हुआ है। अभी उस पर जाके देखते हैं। तो ये हो गया ख़त्म, थोड़ा सा अभी भी आवाज़ करो पर नहीं है, ये देखो तो वो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है, पर जितना हमें चाहिए उतना तो काम नहीं हो पा रहा। हमें तो इस टाइप का चाहिए था। ये जंग तो थोड़ा बहुत हटा दिया, पर उसका जो कलर है वो रह जा रहा है। पहले वाले में भी दिखाता हूँ, इसमें भी देखिए थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, ज़्यादा नहीं, इस टाइप का नहीं हो पा रहा है। तो मुझे तो उतना ये खास नहीं लगा। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि मैं इसको स्प्रे करके कुछ देर वेट करने के बाद भी इसको क्लीन कर रहा हूँ कपड़े से और इससे भी, तो ये थोड़ा बहुत भी हुआ। स्प्रे करने के जस्ट तुरंत बाद भी कर रहा हूँ तो भी ये उतना काम नहीं कर रहा है। तो मेरे केस में तो ये काम नहीं कर पाया है। बाकी आप लोग बताइए, अगर आप लोग का किसी का किया हो तो कि भाई ये साफ़ करता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इतने अच्छे तरीके से साफ़ कर पाता है। अब इसका दूसरा सोल्यूशन देखता हूँ, या तो दूसरा प्रोडक्ट यूज करना होगा, या फिर मुझे इसको कलर करवाना होगा, तभी इसका कोई सोल्यूशन नज़र आएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के केस में क्या हुआ है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं फिर भी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइट कीजिए, जंग तो नहीं लगने वाला है। समझ गए, समझदार के लिए सारा काफ़ी है।